Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about Riti Theory. So, Riti Theory का मतलब है कि मतलब हर एक writer का जो है अपना एक style होता है लिखने का. So, उस sense में जो है Riti Theory बताई गई है वमना द्वारा. वमना जो है इस theory के founder है. रीति मीन्स द वे यू आर राइटिंग, कि तुम्हारे लिखने के ढंग को यानी तुम्हारे लिखने के स्टाइल को जो है रीति बोला जाता है इन संस्कृत सेंस. देन वमना इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, कि वमना जो है इस थ्योरी के फाउंडर है. फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस. ये पूछा जा सकता है अगर आप UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वमना जो है इस थ्योरी के जो है फाउंडर है. वमना इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी. एंड वो बताते हैं कि मतलब हर एक राइटर का जो है अपने वर्क्स में मेटाफर्स भी यूज़ करते हैं, सिमिली भी यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन भी यूज़ करते हैं, आयम्बिक टेट्रामीटर, फुट, अलग अलग तरह के फुट यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं, ट्रोकाइक हेक्सामीटर का यूज़ करते हैं. तो इनका जो है, इन राइटर्स का जो है, इन्हें यूज़ करने का अपना एक स्टाइल होता है. देन देर आर टू काइंड ऑफ ब्यूटी. वमना के अकॉर्डिंग जो वमना बताते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ ब्यूटी. फर्स्ट इज नेचुरल ब्यूटी विच प्रिसीडेड फ्रॉम द गुनास. ये जो नेचुरल ब्यूटी है ये 10 गुनास को फॉलो करके जो वर्क प्रोड्यूस होता है उससे जो है नेचुरल ब्यूटी प्रोड्यूस होती है. एंड और अलंकार को यूज़ करके यानी डिफरेंट अलंकारास को यूज़ करके अगर वर्क प्रोड्यूस होता है तो उससे जो है आर्टिफिशियल ब्यूटी प्रोड्यूस होती है. फ्रेंड्स मैंने अलंकारा पे सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं. देन वमना डिनोटेड नेचुरल ब्यूटी एज शोभा, कि मतलब नेचुरल ब्यूटी अगर एक वर्क जो है जिसके अंदर जो है नेचुरल ब्यूटी प्रोड्यूस हो रही हो, सो वमना के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क जो है शोभ मतलब उसमें जो है उस वर्क के अंदर शोभा है और साथ ही साथ अपना ही एक सौंदर्य है. देन टू राइट अ पीस इन अकॉर्डेंस विद द 10 गुनास, कि मतलब वमना कहते हैं कि अगर आप 10 गुनास को फॉलो करके एक अच्छा लिटरेचर का वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, सो फिर वमना के अकॉर्डिंग वो जो वर्क है वो जो है शोभिन्य पीस है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, शोभिन्य पीस. टू राइट अ पीस इन अकॉर्डेंस विद द 10 गुनास और क्वालिटीज़. टू राइट अ पीस इन अकॉर्डेंस विद द 10 गुनास और क्वालिटीज़ यू फॉलो इन ऑर्डर टू राइट अ गुड पीस, दैट पीस इज़ नोन एज शोभिन्य पीस. एंड इफ़ अ पीस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फॉलोइंग द 10 गुनास, कि अगर एक वर्क जो है 10 गुनास को फॉलो करके एक बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल वर्क का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसे जो है वमना की सेंस में बोला जाता है सौंदर्य. प्लीज़ रिमेंबर दिस. देन वमना के अकॉर्डिंग देर आर 3 काइंड्स ऑफ रीति. प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि वमना बताते हैं देर आर 3 काइंड्स ऑफ रीति और 3 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग. फर्स्ट जो रीति होती है वो वेधर भी रीति होती है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, फर्स्ट रीति जो होती है वो फर्स्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग कौन सा होता है, वेधर भी रीति. ये सारे फ्रेंड्स संस्कृत वर्ड्स हैं. सो वेधर भी रीति क्या होती है, अ पर्टिकुलर वर्क रिटन इन अकॉर्डेंस विद द 10 एक्सीलेंसेज और अ वर्क विच हैज़ 10 गुनास, कि मतलब जो वर्क 10 गुनास के मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जिस वर्क का प्रोडक्शन होता है उसे वमना की सेंस में बोला जाता है वेधर भी रीति. देन सेकेंड रीति है गौडी रीति. गौडी रीति, गौडी रीति का मतलब क्या है, जिस वर्क में ओजस हो और साथ ही साथ क्रांति हो यानी रेवोल्यूशनरी वर्क जो हो उसे बोला जाता है वमना की सेंस में गौडी रीति. देन थर्ड स्टाइल ऑफ रीतीज पंकाली रीति. पंकाली रीति जिस वर्क के अंदर मतलब स्वीटनेस हो, मिठास हो, सॉफ्टनेस हो उसे बोला जाता है वमना की सेंस में पंकाली रीति. एंड आचार्य वमना टॉक्ड अबाउट दिस थ्योरी. आचार्य वमना ने जो है इस थ्योरी के बारे में यानी रीति थ्योरी के बारे में किस टेक्स्ट में बात की थी, उस टेक्स्ट का नाम है काव्य अलंकारा सूत्रा. काव्य अलंकारा सूत्रा, प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट प्लीज़. देन आचार्य वमना डिक्लेयर्ड रीति टू बी द सोल ऑफ पोएट्री. अकॉर्डिंग टू आचार्य वमना, आचार्य वमना कहते हैं कि रीति जो है पोएट्री की आत्मा है, सोल है. देन रीति एज विशिष्ट पदा रचना,
कि मतलब रीति को जो है बोला जाता है एक तरह की जो है ये विशिष्ट प्रकार की रचना है, यानी पोएट्री के अंदर अगर रीति का अगर स्टाइल का यूज़ हो तो ये एक अलग प्रकार यानी यूनिक टाइप की रचना है। सो बोलते हैं कि मतलब जब भी पोएट्री को अगर आप कंस्ट्रक्ट करो यानी पोएट्री को अगर आप क्रिएट करते हो तो उसमें जो है मतलब वर्ड्स जो है इस मतलब पूरा अच्छे से जो है अरेंज करके जो है वर्ड्स को लिखो, उसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब जो आपका टॉपिक है सो उसी से रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट उसमें होना चाहिए वर्ड्स का उस पोएट्री के अंदर जो आप टॉपिक चूज़ करते हो। मतलब अगर आपको पोएट्री लिखनी है किसी भी मतलब जो भी आपका टॉपिक है उस पोएट्री को लेकर आप जो है उस मतलब उस पोएट्री जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो है आप वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करो और अपनी पोएट्री में लिखो। सो वमना का कहने का मतलब है रीति जो है एक तरह की विशिष्ट पदा रचना है। देन वमना प्रपोज थ्री काइंड्स ऑफ रीति, ये अभी हमने बात की थी कि वमना के अकॉर्डिंग थ्री काइंड्स ऑफ रीति होती है। सबसे पहला वेधर्भी रीति, सेकेंड इज गौधी रीति, थर्ड इज पंकाली रीति एंड फिर वमना क्लासीफाई भी करते हैं 10 गुनास, गुनास जो होते हैं 10 होते हैं एंड वो बताते हैं कि वेधर्भी रीति जो होती है उसमें उसके अंदर सारे गुनास आ जाते हैं 10 गुनास। देन गुनास एज डिफाइंड बाय वमना आर फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस, कि मतलब गुना अकॉर्डिंग टू वमना वो फैक्टर है जो कि प्रोड्यूस करते हैं पोएट्री के अंदर पोएटिक चार्म को। वाइल अलंकार और मतलब पोएट्री के अंदर अलंकारस क्या करते हैं यानी अलंकार्स, अलंकार्स को जो है संस्कृत सेंस में बोला जाता है अलंकारास, जैसे हमने सुना होगा मेटाफर्स आयरनीज ये सारे अलंकार्स हैं। सो मतलब वमना का कहना है अलंकारास अगर होंगे पोएट्री के अंदर तो वो जो है पोएट्री को एनहांस करेंगे, और वहीं पर अगर वमना कहते हैं अगर गुनास होंगे पोएट्री के अंदर तो वो पोएट्री के अंदर जो है चार्म को प्रोड्यूस करेंगे। देन गुनास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रीति, कि गुनास जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है रीति से। देन ऑल्सो पर्टेन्स टू द सोल ऑफ पोएट्री, जो गुनास जो होते हैं वो रीति के लिए जो है आत्मा है, सोल ऑफ पोएट्री है। देन अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुनास, 10 गुनास जो है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। उन्हें भी जो है सब क्लासिफाई कर रखा है, मतलब फर्दर डिवीजन हो रखा है। सो पहले जो गुनास है वो है शब्दा गुनास यानी एक्सीलेंस ऑफ साउंड, कि मतलब पोएट्री के अंदर जो है किस तरह से जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है उसके भी जो है 10 गुनास है और जिन्हें बोला जाता है शब्दा गुनास। शब्दा गुनास सबसे पहला है ओजस, ओजस यानी कॉम्पैक्टनेस ऑफ साउंड स्ट्रक्चर, कि साउंड की जो स्ट्रक्चर है वो कितनी कॉम्पैक्ट है। देन प्रसाद, प्रसाद क्या होता है लूजनेस ऑफ साउंड, मतलब किसी पोएट्री के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, लूजनेस यानी ढीलापन। देन थर्ड इज सीसा यानी स्मूथनेस है या नहीं पोएट्री के अंदर। देन समाता यानी होमोजेनिटी ऑफ डिक्शन, डिक्शन के अंदर होमोजेनिटी। देन फिफ्थ इज समाधि, समाधि यानी सिमेट्री होनी चाहिए पोएट्री के अंदर ड्यू टू अल्टरनेट यूज ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लोरिड डिक्शंस, कि मतलब डिक्शंस का मतलब क्या होता है वर्ड्स, वर्ड्स तो मतलब पोएट्री के अंदर जो है सॉफ्ट या फिर मतलब सॉफ्ट भी होते हैं वर्ड्स और साथ ही साथ जो है रिजिड टाइप के वर्ड्स भी होते हैं, तो उनमें भी जो है सिमेट्री होनी चाहिए। देन मधुर्य, मधुर्य यानी डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ वर्ड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉन्ग कंपाउंड्स, कि वर्ड्स जो है डिस्टिंक्ट फॉर्म में यूज़ किए जाने चाहिए क्योंकि जब लॉन्ग कंपाउंड्स का एब्सेंस रहती है तब अलग अलग तरह के जो है वर्ड्स भी होने चाहिए एक पोएट्री के अंदर, डिस्टिंक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। देन सेवेंथ इज सौकुमार्या यानी हार्शनेस यानी कठोरपन से जो है फ्रीडम होनी चाहिए, इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज जो होनी चाहिए पोएट्री की। उदारता मतलब लाइवलीनेस ऑफ कंपोजिशन, कि मतलब उस पोएट्री के अंदर जान होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले रीडर के अंदर जो है उसे पढ़कर जो है वो रिफ़्रेश हो सके, रीजनरेट कर पाए, लाइवलीनेस होनी चाहिए, जान होनी चाहिए। देन यानी इन्फ्लुएंस कर सके रीडर को। देन अर्थ, अर्थाव्यक्ति, अर्थाव्यक्ति मतलब
उस पोएट्री के अंदर जो है मीनिंग इस मतलब वर्ड इस तरह से होने चाहिए ताकि रीडर्स को पढ़ने के बाद जो है लोग इजीली उस मीनिंग को जो है अंडरस्टैंड कर सके। देन कांति, कांति मतलब वर्ड्स जो है मतलब इजी होने चाहिए लेकिन जो है उन वो वर्ड्स जो है रिच होने चाहिए, ब्रिलियंट होने चाहिए। अगर आप किसी पोएट्री को जो है प्रोड्यूस कर रहे हो तो वर्ड्स जो है रिचनेस होनी चाहिए वर्ड्स के अंदर। देन अब अर्थागुनास जो होते हैं, अर्थागुनास यानी सेंस से रिलेटेड है पोएट्री की, मतलब सेंस यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है अर्थागुनास। देन इसके भी जो है इसे फर्दर डिवाइडेड कर रखा है। सबसे पहला है ओजस, यानी जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वो काफ़ी मैच्योर होना चाहिए, मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो वो मैच्योर होना चाहिए, टॉपिक के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। देन सेकंड इज़ प्रसादा, यानी मीनिंग, मतलब मीनिंग जो है जो भी आप वर्ड लिखो उसका मीनिंग जो है लोगों को क्लियर हो पाए, क्लैरिटी ऑफ मीनिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्बोसिटी। देन थर्ड इज़ सीसा, मतलब सीसा का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए, कॉमिंगलिंग ऑफ मेनी आइडियाज़। देन फोर्थ इज समाता, समाता यानी नॉन रिलिक्विशमेंट ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, कि मतलब प्रॉपरली जो है आइडियाज़ को अरेंज किया जाना चाहिए। फिफ्थ इज समाधि, यानी ग्रैस्पिंग ऑफ द ओरिजिनल मीनिंग अराइजिंग फ्रॉम कंसंट्रेशन, कि समाधि मतलब पोएट्री के अंदर जो है समाधि भी होनी चाहिए ताकि जो है लोग उसका ओरिजिनल, क्योंकि आपको मैंने बताया था पोएट्री जो है इनडायरेक्ट सेंस में लिखी जाती है तो पोएट्री के अंदर जो है ये एलिमेंट भी होना चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो पोएट्री, अकॉर्डिंग टू वमना कहते हैं कि जब भी आप पोएट्री कंस्ट्रक्ट करो उन सब में ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी आपका वर्क जो है बहुत ब्रिलियंट होगा। तो वो कहते हैं समाधि होनी चाहिए, इनडायरेक्ट वर्ड भी ऐसे हों ताकि लोगों को जो है उनका ओरिजिनल मीनिंग समझ आ सके, इस तरह की पोएट्री का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देन सिक्स्थ वन इज़ मधुर्य, मधुर्य का मतलब होता है कि वो जो आप जिस आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहते हो रीडर्स के सामने वो रीडर्स को जो है स्ट्राइक कर सके, यानी स्ट्राइक का मतलब जो है रीडर्स जो है अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर पाए, इस तरह से। देन सेवन्थ इज सौकुमार्य, यानी फ्रीडम फ्रॉम डिसएग्रीएबल आइडियाज़, कि मतलब उसमें जो है आपकी पोएट्री में जो है सौकुमार्य यानी डिसएग्रीएबल आइडियाज़ ना हो, जिससे जो है रीडर जो है पढ़ के डिसएग्री कर जाए, वैसे वाले आइडियाज़ ना हो। देन एट्थ वन इज़ उदारता, यानी वल्गर मतलब वल्गर वर्ड्स का यूज़ भी नहीं होना चाहिए। देन अर्थव्यक्ति, यानी आइडियाज़ जो हो जो आप आइडिया क्लियर करने चाहते हो अपने रीडर्स के सामने, तो जो आइडियाज़ जिस आइडियाज़ को आप अपनी पोएट्री में लिखते हो वो एकदम एक्सप्लिसिट हो यानी स्पष्ट हो, विच मेक्स नेचर ऑफ थिंग्स क्लियर, जो तुम कहना चाहते हो उस अगर आपके आइडियाज़ स्पष्ट होंगे तो जो आप कहना चाहते हो रीडर्स जो है मतलब ईजिली उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा। आप जिस टॉपिक को आप मतलब जिस भी टॉपिक पर आप अपनी पोएट्री को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसका जो आइडिया हो वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। देन कांति, यानी कांति का मतलब ये है कि आप रसास का यूज़ करते हो पोएट्री में, सो वो जो रसास हो वो जो ब्रिलियंट वे में जो है उनको यूज़ किया जाना चाहिए। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है, एंड फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल की लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।